कर्नाटका के मुख्यमंत्री बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री हरदीप पुरी जी, रामेश्वर तेली जी, अन्य मंत्रीगण, योर एक्सलेंसीज, देवी और सज्जनों, इस समय तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। साथियों, बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरपूर शहर है। मेरी तरह आप भी यहां की युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है। मैं देश विदेश से आए सभी लोगों का इंडिया एनर्जी वीक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डेवलप करने में, एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। विकसित बनने का संकल्प लेकर चल रहे भारत में एनर्जी सेक्टर के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं बन रही है। आप जानते हैं कि हाल ही में IMF ने 2023 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलीज की है। इसमें कहा गया है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है। महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से हर चुनौती को पार किया। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स ने काम किया। पहला, स्टेबल डिसिसिव गवर्नमेंट। दूसरा,
सस्टेन रिफॉर्म्स और तीसरा ग्रासरूट पर